बहुत समय पहले की बात है कि नीलमपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति सेठ तोता के यहाँ काम करता था। एक दिन जब बंटी कबूतर काम पर जाने लगा तो टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बंटी जी, अगले महीने हमारी पिंकी की सालगिरह है और मैं बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की पहली सालगिरह करना चाहती हूँ। तुम आते वक्त सेठ साहब से कुछ उधार ले लेना ताकि हम अभी से सालगिरह की तैयारी शुरू कर सकें। टुनटुनी, ये तुम किन चक्रों में पड़ गई हो? हम हरे पक्षी हैं और सालगिरह वालगिरह जैसे काम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम गरीब, सिर्फ दो वक्त की रोटी पूरी कर ले, ये काफी है। ये क्या जी, आप मुझे पहले ही लेक्चर देना शुरू हो गए। ये मेरी बेटी की पहली सालगिरह है, बस मैं बता रही हूँ, जैसा मैं कह रही हूँ अब आप बस वैसा करना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखूंगा। ये कहकर बंटी कबूतर अपने काम पर चला गया। इतने में पिंकी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ खेलकर वापस आ जाती है। अम्मा अम्मा, आज मेरी सारी सहेलियां जन्मदिन के बारे में बात कर रही थी। माँ, मेरा जन्मदिन कब आएगा? मेरी बेटी, तुम्हारा जन्मदिन अगले महीने में है। मम्मा मम्मा, आप मेरा जन्मदिन मनाओगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, बस मैं और तुम्हारे पापा तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ बंटी कबूतर काम खत्म करने के बाद अपने सेठ तोता के पास जाता है और कहता है, मालक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है और उसकी तैयारी करनी है। अभी पिछले महीने ही तो तुमने उधार लिया था। मैं रोज रोज किसी को उधार नहीं दे सकता, इसलिए मेरी जान छोड़ दो। अगर काम करना है तो इसी तरह करना होगा। बंटी कबूतर नाराज होकर वहां से घर आ जाता है। इतने में पिंकी भी वहां आ जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी सहेली बुलबुल का आज जन्मदिन है और उसने मुझे बुलाया है, मैं जाऊं? जल्दी जा मेरी बेटी और जल्दी लौट कर आना। फिर पिंकी चिड़िया बुलबुल के घर चली जाती है। बुलबुल का घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। टेबल पर केक, कोल्ड ड्रिंक्स और तरह तरह के खाने मौजूद थे। बुलबुल और उसकी सब सहेलियाँ बहुत खुश थी। बुलबुल ने केक काटा और सबने खूब इंजॉय किया। यहाँ पर सब कितना अच्छा लग रहा है, सभी डेकोरेशन और चीजें कितनी सुंदर हैं। काश मेरी सालगिरह भी ऐसी ही हो। वही दूसरी तरफ बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, सेठ साहब ने तो पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसा करो, तुम भी सालगिरह वाली बात को छोड़ दो। तुम फिक्र न करो जी, मेरे पास एक चांदी का हार है जो मेरी माँ ने मुझे शादी में दिया था, जो ऐसे ही पेटी में पड़ा है। तुम जाओ और उसे बेचाओ, मुझे मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। इसी तरह समय गुजरता गया और पिंकी की सालगिरह का दिन भी आ गया। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर ने अपनी बेटी की सालगिरह का दिन धूमधाम से मनाया। अपने केक को देखकर पिंकी खुश हो गई
और अपने मम्मी पापा से बोली, मम्मा मम्मा पापा पापा शुक्रिया आप दोनों का, आपने मेरी सालगिरह का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मुझे मेरी सालगिरह का दिन हमेशा याद रहेगा। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिस तरह हमारे माता पिता हमारी खुशियों का ख्याल रखते हैं, इस तरह हमें भी चाहिए कि उनकी खुशियों का ख्याल रखें।